नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइन। आप देख रहे हैं साइंस टेक ट्यूटोरियल्स। पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने सीखा था जे पासवर्ड फील कैसे बनाते हैं और बाकी सब उसके थोड़े मेथड्स। आज हम सीखने वाले जे बटन कैसे बनाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं हम जे बटन कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारा पुराना प्रोग्राम, मैंने जे बताया था जे पासवर्ड फील कैसे बनाते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, यानी कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे। तो चलिए, जे बटन के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक क्लास है, उसका नाम है जे बटन। जे बटन का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी वन इक्वल टू न्यू जे बटन। क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे ही बनेगा और हमारे सारे बेसिक कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनेगा। अंदर मैं बटन के अंदर एक पास कर देता हूँ, जो बटन पे लिखा हुआ आएगा, बटन का टेक्स्ट। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लिक मी, यानी हमारा जो भी बटन बनेगा उसके ऊपर लिखा हुआ होगा क्लिक मी। और उसके बाद मैं इस पर सेट बाउंस करता हूँ, सेट बाउंस वही 50-50 कर देते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं है, 50-20 सही है, ताकि हमारी जो छोटी वाली फ्रेम है उसके ऊपर ही आ जाए, मुझे मैक्सिमाइज ना करना पड़े, इसलिए मैं 50 दे रहा हूँ, 50-20-100-30। उसके बाद हम सिंपल कंटेनर के अंदर ऐड करते हैं, कंटेनर के अंदर जे बटन का ऑब्जेक्ट कॉन डॉट ऐड, कंपाइल एंड रन। आप देख सकते हो मेरी जो छोटी वाली फिल्म है उसके अंदर ही आ चुकी है, क्योंकि मैंने उसकी जो लेफ्ट से पिक्सल है वो फूट दिया है और हमारा बटन तैयार है। आप देख सकते हो हमारा बटन तैयार है, उसमें फॉन्ट और वो सब चेंज करते हैं बटन का। तो चलिए, फॉन्ट चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, हमेशा आपको भी पता है, फॉन्ट क्लास यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। फॉन्ट के लिए हम लोग फॉन्ट क्लास यूज़ करते हैं, फॉन्ट एफ इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और उसके अंदर हम लोग तीन पैरामीटर पास करेंगे। पहला होगा फॉन्ट का नेम, एरियल मैं यहाँ दे रहा हूँ, सॉरी एरियल। उसके बाद कॉमा करके हम एक कांस्टेंट पास करेंगे, यानी फॉन्ट की स्टाइल, बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, हमें क्या चाहिए। और उसके बाद फॉन्ट की साइज। अब हम फॉन्ट को हमारे बटन पर सेट करवाते हैं, यानी बी वन डॉट बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट फॉन्ट, और उसके अंदर फॉन्ट का ऑब्जेक्ट एफ। तो हमारा फॉन्ट सेट हो चुका है, चलिए चेक कर लेते हैं, हमारा फॉन्ट सेट हो चुके हैं अब तो। एंड गो, हमें जूम करना पड़ेगा। आप देख सकते हो हमारे फॉन्ट सेट हो चुके हैं, लेकिन ये हमारे फॉन्ट की साइज़ काफ़ी बड़ी है, जो हमारे बटन पर नहीं आ रही है, जितनी हमने बटन की साइज़ विथ दी है उसके ऊपर नहीं आ रही है। तो चलिए हम फॉन्ट की थोड़ी फॉन्ट की साइज़ थोड़ी कम कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ आके दी हुई है 20, तो मैं 20 से थोड़ी कम कर देता हूँ, या तो इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, नहीं इसकी विड्थ रहने देते हैं, मैं 20 से ही कम करूँगा 12। एंड अब हम सेट करेंगे हमारा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर यानी सेट करने के लिए आपको पता ही है, सेट बैकग्राउंड हमारे पास मेथड है b1, यानी बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट बैकग्राउंड हम सेट करते हैं, और उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट पास करते हैं कलर डॉट येल्लो। कलर क्लास का एक कॉन्स्टेंट है येल्लो कलर। और उसके बाद हम फोरग्राउंड कलर यानी बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसका कलर चेंज करते हैं, b1.setForeground color.red। तो हमने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर यानी फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों चेंज कर दिया है हमारे बटन का। तो चलिए चेक करते हैं, इस बार शायद छोटी फ्रेम पर आ जाएगा। यस, आ चुका है, देख सकते हो आप, हमारा बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर दोनों चेंज हो चुका है और हमारा बटन काम कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि बटन पर इमेज कैसे सेट करते हैं, बटन पर इमेज कैसे सेट करते हैं। हमने ये तो देख लिया फोरग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर, लेकिन अब देखते हैं बटन पर इमेज कैसे सेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक मेथड देख लेंगे, वो है हमारे पास सेट टेक्स्ट। यानी कि अगर हमने बटन पर क्लिक भी दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद हमें बाद में उसको अगर चेंज करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है डोंट क्लिक लाइक सॉरी सेट टेक्स्ट, और उसके अंदर मैं पास कर रहा हूँ डोंट क्लिक मी। यानी एक ये मेथड है जो बटन का टेक्स्ट बाद में चेंज करने के लिए काम आती है, यानी बटन का ऑब्जेक्ट डॉट सेट टेक्स्ट। और मैं इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, क्योंकि डोंट क्लिक मी थोड़ा लंबा टेक्स्ट है। सेट टेक्स्ट मेथड हमेशा सेट डायनेमिकली सेट टेक्स्ट को चेंज करने के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हो डोंट क्लिक मी आ रहा है। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं फटाफट पूरा कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे सेट करते हैं। इमेज के लिए मुझे अभी ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, फॉन्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ।
इमेज के लिए आपको पता ही है हम इमेज कैसे हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर लेके आते, तो उसके लिए हमारे पास है इमेज आइकन, एक क्लास है इमेज आइकन का, ऑब्जेक्ट आइकन वन। मैं आइकन वन इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आइकन मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, न्यू इमेज आइकन, और अंदर मैं पास करूँगा पाथ ऑफ माई इमेज, वो आपको पता है कि लाइक मेरे फोल्डर के अंदर ही पड़ी हुई है diwali.gif, अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूँ, यानी लाइक जहाँ मेरी फाइल है वहीं पड़ी है। और आइकन वन का मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया जे बटन के अंदर, यानी इससे क्या होगा हमारा जे बटन के अंदर आइकन आ गया। आप देख सकते हो diwali.gif मेरे पास ऑलरेडी एक कंपाइल एंड गो। अब आप देख सकते हो दिवाली डॉट लाइक हमारा जो बटन तो बन चुका है, लेकिन उसकी विध के हिसाब से हमारा इमेज की विध नहीं आ रही है। आप देख सकते हो जो हमारी इमेज है वो कट रही है, और बटन तो रेडी है लेकिन इमेज कट रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो इमेज की हाइट एंड विथ है वही हम हमारे बटन की हाइट एंड विथ करेंगे। तो उसके लिए आपको पता है सेट बाउंड के अंदर हम लास्ट के जो हाइट एंड विथ वाले जो पैरामीटर्स है उसे चेंज करेंगे। सबसे पहले हम विथ सेट करेंगे, तो उसके लिए हम आइकन का ऑब्जेक्ट यानी आइकन वन डॉट गेट आइकन विथ, जिससे क्या होगा आइकन की विथ का हो जाएगा हमारा बटन, और आइकन डॉट आइकन वन डॉट गेट आइकन हाइट, इससे क्या होगा बटन जो भी इमेज की हाइट एंड विथ होगी वो हमारे बटन की हाइट एंड विथ हो जाएगी। चलिए देखते हैं diwali.gif जो भी साइज हाइट एंड विथ का है वही हमारे बटन की साइज हो चुकी है या नहीं। तो गो, अब आप देख सकते हो हमारा बटन इमेज की साइज का हो चुका है। ये बटन है, आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, ये बटन है। अब मैं थोड़ी बड़ी इमेज ले लेता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी अंदर ही पड़ी हुई है, थोड़ी बड़ी इमेज demo.jpg। इसमें भी सेम गेट आइकन एंड विद, जो जिस साइज की मेरी इमेज है उसी साइज का मेरा बटन होगा। तो कंपाइल एंड गो। अब आप देख सकते हो ये एक बटन है, इमेज नहीं है, मैं क्लिक करके बता रहा हूँ ये एक बटन है। इससे क्या आप डायनेमिक बटन बना सकते हो, ये एक बटन है इमेज वाला। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल हम लोग सीखेंगे जे रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।